हेलो, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक सिंपल सा स्लीव डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेपर पेस्टिंग ले ली है, तो अब हम इसको देखिए, डबल फोल्ड मैंने कर लिया है इसे। अब मैंने इस साइड से, मतलब मैंने इसको चार फोल्ड हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो क्योंकि दोनों स्लीव इस तरह से ही काटूंगी, तो मैंने एक साइड से 3 इंच और दूसरी साइड से, मतलब मैंने 2 इंच, मतलब छोटा बड़ा करना है इस तरीके से। तो आप 3.5 का रेशियो रख सकते हैं, या फिर 3.5 का, 2 का, ऐसे रेशियो रखना है। और इस तरीके से तिरछा निशान लगा के आपको एक निशान लगा देना है और इसको कट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से कट करने के बाद ये आपको इस तरीके से देखिए खुल जाएगा। ये इस तरीके का कुछ पैटर्न बनेगा और इसे अब हम इधर से इस तरीके से कट कर लेंगे, तो जिससे कि ये हमारी 2 स्लीव्स के पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये लंबाई मैंने इसकी उतनी ही ली है जितनी हमारी स्लीव की मोहरी होती है। तो ये तैयार हो गया, अब हम इसे पेस्ट कर लेंगे कपड़े पर, जिस पे भी हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया है। अब हमारी ये सलवार, सॉरी स्लीव है जो, उसकी मैंने अपोजिट साइड रखा है और उसका एक सेंटर, हम इसका सेंटर पे निशान बना लेंगे इस तरीके से। तो हम सेंटर निशान बनाएंगे क्योंकि जो हमारा जो नोक है ना, वो हमारी सेंटर पे ही आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम रखेंगे और बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ ही हम इस पे, मतलब मशीन चलाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट चलाएंगे, क्योंकि ये फिर टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है, बिल्कुल सीधी हमें रखना है कपड़ा भी और इसको भी। इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे और इसे करने के बाद फिर हम इसको वापस पलट देंगे। तो ये पहले उल्टी साइड था, अब ये हमारा सीधी साइड आ जाएगा। इसको ऐसे करने के बाद एक बार और इस पर मशीन चलाएंगे, जिससे कि ऐसा करने से क्या होता है, जब हमें इसे पलटना होता है या मोड़ना होता है ना, ईजिली मुड़ जाता है, तो हमें बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे करने से हमेशा ईजिली बैठ जाता है। सारा मार्जिन अंदर की तरफ करके हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो है वो हम उसको कट कर देंगे। आप चाहे तो इससे छोटा भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ना, हम इसे मतलब कच्ची, मतलब बड़ा बड़ा टाके वाले से हम इसे इस तरीके से सिक्योर कर देंगे कि ये इधर उधर ना हिले। तो हम इसे कच्ची सिलाई से इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। अब हमें इसमें रेड कलर की पाइपिंग देनी है, तो हम इसमें तिरछी पट्टी काट के, एरवा पट्टी काट के हम इस तरीके से, देखिए जो ऊपर का पोर्शन है इसको खोलेंगे और इसके साथ हम अटैच कर देंगे। डबल फोल्ड करके हम पट्टी को अटैच करेंगे। बिल्कुल जो सिलाई है हम वहीं पे चलाएंगे, बिल्कुल बुकरम के पास पास में ही चलाएंगे, उसी की शेप देते हुए। तो इस तरीके से करने के बाद हम पूरा इसको स्टिच कर लेंगे और फिर इसको फोल्ड करके और हम इसमें पाइपिंग निकालेंगे। अब मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है और अब देखिए इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करना है। जितनी भी आपको पाइपिंग दिखानी है उतना बाहर रख के, अब इसके बिल्कुल पास पास हमें मशीन चलानी है, बिल्कुल धीमे धीमे हाथ से। और जो स्लीव का कपड़ा है ना, उसको भी हमें क्लीन करते हुए रखना है कि अंदर, मतलब इसमें झोल वोल ना आ जाए। तो इस तरीके से हम इसको फिनिश करेंगे। अब नीचे भी है ना, हम पाइपिंग पट्टी लेंगे और उसको डबल करके हम उसमें सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई लगाएंगे और पूरे पे सिलाई लगाते हुए फिर अंदर की तरफ उसको मोड़ देंगे, तो नीचे भी हमारी पाइपिंग बन जाएगी। तो अब हमारा ये
स्लीव का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो ये डिज़ाइन कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का डिज़ाइन है जो कफ की तरह होता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन।